हेलो हवर जी, कैसे मेरे प्यारे बच्चों? बेटा मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर लिविंग थिंग्स सिचुएटेड फॉर लाइफ ऑन द टेरिस्ट्रियल्स हैबिटेट्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं बेसिकली जमीन पे रहते हैं, तो वो किस प्रकार की ऑक्सीजन गेन करते हैं। उनमें ऑक्सीजन गेन करने के लिए जो फंक्शन ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो किस प्रकार का है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हमारी ऑक्सीजन को गेन करने के लिए लंग्स होते हैं, जिनको हम फेफड़े कहते हैं। तो फेफड़े ही क्यों हैं, वो किस प्रकार की ऑक्सीजन को गेन कर पा रहे हैं। हमारी जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बेसिकली हमारी फ्रीली ऑक्सीजन है, जिसका लेवल 21% है, जो कि हम लोगों के लिए एबल है हमारे जो लंग्स हैं इस प्रकार की फ्रीली ऑक्सीजन को लेने के लिए भी एबल हैं। अगर ये ऑक्सीजन हमारी अगर कंबाइंड फॉर्म में होती, जैसे कि हमारी वाटर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का मैन्युफैक्चर करती है, और वो मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हम उस वाटर वाली ऑक्सीजन को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। और हम लोगों के लिए क्या है, ओनली फ्रीली ऑक्सीजन वर्क कर सकती है। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का काम करती है। जो भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, उस फूड को डाइजेशन करने में हमारी ये ऑक्सीजन ही तो मदद करती है। तो बेटा आपको अगर मेरी वीडियो लगी, सही लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए।